पटना के एक कोचिंग संस्थान पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने कोचिंग संस्थान में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कोचिंग के अंदर देसी बमों से धमाके भी किए। कोचिंग संस्थान पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिसमें दिख रहा है कि कोचिंग के रिसेप्शन पर कुछ छात्र और कर्मचारी बैठे हुए हैं। फिर अचानक लाठी डंडों के साथ कुछ लोग आते हैं और पहले गेट पर खड़े शख्स पर हमला करते हैं। मारपीट देखकर रिसेप्शन पर बैठे लोग भाग खड़े होते हैं। इसके बाद बदमाश आराम से अंदर घुसकर सामान तहस नहस करते हैं। तोड़फोड़ के बाद एक बदमाश दफ्तर के अंदर बम फेंकता है, जिसके कारण जोरदार धमाका होता है और कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर कोचिंग में अफरा तफरी मच गई। हमले में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। ये पूरा मामला पटना के सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। कोचिंग चलाने वालों का दावा है कि रंगदारी वसूलने के लिए यह हमला किया गया है। बदमाशों ने उनसे हर महीने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। रंगदारी देने में आनाकानी करने पर बदमाशों ने अपनी दहशत फैलाने के लिए यह हमला किया था। आरोप है बदमाश फ्री एडमिशन के लिए दबाव बना रहे हैं। उसका कहना है कि हमको 5 लाख प्रति माह रंगदारी दीजिए और जो हम फोन करेंगे मेरा एडमिशन फ्री में होना चाहिए। ये जो विद्यार्थी है पटना यूनिवर्सिटी का राजा यादव है और अभी पूर्व छात्र है, जैक्सन हॉस्टल में रहता है और पीजी हॉस्टल में रहता है। कई साथियों के साथ आए, मतलब 5 से 6 साथियों में आए और सबसे पहले आए तो शीशा टूटे, उसके बाद बम फटका, स्टाफ को मारा, यही घटना और कोई घटना नहीं। पहले भी कोई थ्रेट वगैरह नहीं? कोई थ्रेट वगैरह नहीं, सिर्फ उसका कहना था कि दूसरे कोचिंग के द्वारा कराया गया घटना है। अच्छा। और दूसरी है कि बोला कि इस महीना के लास्ट में अगर नहीं दोगे 5 लाख रुपया तो जान मारने की धमकी दिया गया। हमले से पहले की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसमें बदमाश अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर हमले के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में एक बोरे में बदमाश कुछ लेकर आते हुए दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बोरे में बम रखे गए थे। करीब आधा दर्जन बदमाशों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। वह जो लड़का है राजा यादव, यहाँ कोचिंग में आया था कि कुछ विद्यार्थी को फ्री में नामांकन करने, इसको इन्होंने इनकार किया और चाहता था कि बलपूर्वक हम इसका नामांकन करवा दें और इसी को लेकर के विवाद हुआ। रंगदारी की बात कही जा रही है, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने की। वह तो परसों दिन जो आया था, कुछ लड़का का नाम जैसे कि बता रहे हैं कि 5-7 लड़का का वो पैसा ले लिया या का किया था भगवान जाने, जैसा कि बता रहे हैं कि पैसा ले लिया था और फ्री में चाह रहा था कि एडमिशन करावें। जब ये लोग विरोध किए तो कहेंगे तब 24 घंटा का समय देते हैं, तुम सोच लो और नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। क्या करेंगे आगे? अब आगे तो इसका सीसीटीवी फुटेज लेंगे, उसके बाद अभी FIR होगा, उसके बाद कार्रवाई आगे प्रारंभ हो जाएगी। राजधानी पटना में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने खुले तौर पर पुलिस को चुनौती दे दी है। बस राहत की बात रही कि इस हमले में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।